यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, तैयारी को लेकर काफ़ी दुविधा में है कि तैयारी अब किस तरह से किया जाए। कुछ बच्चे तो ये भी सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, और ये माइंड में सेट कर चुके हैं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 22 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि माइंड में जब पहले ही बैठा चुके हैं तो वो दिन बीतते समय नहीं लगेगा, दिन बीतते समय नहीं लगेगा, और आपका माइंड जो इसको ऑब्जर्व कर लिया है कि अब हम जो है एग्जाम 22 तारीख को, अरे यार कल पढ़ लेंगे, कल आया फिर कल पढ़ लेंगे, कल आया फिर कल पढ़ लेंगे, इस तरह से वो क्या है दिन प्रतिदिन अपना समय गंवा रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं बेकार। ठीक, क्योंकि वो करते क्या है कि चलो यार कुछ टॉपिक लेकर आज बैठते हैं, और जैसे ही बैठते हैं तो फिर माइंड में आ गया अरे अभी तो बहुत टाइम है, चलो नेक्स्ट डे में तैयारी करते हैं, तो नेक्स्ट डे के चक्कर में पूरा एग्जाम आ जाएगा, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी आप यही सोचेंगे कि अभी तो 1 घंटा है, क्वेश्चन बैंक लेकर भी एग्जाम तक जाएंगे और ये सोचेंगे कि अभी तो 1 घंटा है थोड़ा रिविजन कर लें, और एग्जाम आ गया तो भी नहीं पढ़ पाए। इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कुल मिला के आपके पास अभी भी 44 दिन है, 44 डेज है, आपको किस तरह से तैयारी करना है ये माइंड में पहले ही एक टाइम टेबल बैठा लीजिए कि हमको किस तरह से सब सारे सब्जेक्ट पे, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पे आपको टॉपर बन जाना है, आपके जो सब्जेक्ट हैं 12th लेवल में आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, और 10th लेवल में आपको 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो सारे सब्जेक्ट में मार्क आपको अच्छे चाहिए, क्योंकि टॉपर जो बनेगा वो सारे सब्जेक्ट का मार्क को जोड़कर टॉपर बनते हैं, अच्छे मार्क ऐसे ही आते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट को भाई हम इसमें टैलेंटेड हैं तो उसमें पूरे मार्क ला दिए तो पता चला कि इसमें हो गया आप, तो नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और तैयारी के लिए उस पर सबसे ज़्यादा टाइम भी आपको देना है। ठीक, और जो सब्जेक्ट आपका एकदम लगता है कि मेरा ये सबसे अच्छा है, च्वाइस सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पर आप टाइम थोड़ा कम दीजिए, क्योंकि उसकी तैयारी तो आपको पहले से ही है, बाकी जो बचा सब्जेक्ट उस पर आप टाइम दीजिए। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं मैथ साइंस इंग्लिश पर फोकस करते चले जाते हैं, हिंदी SST पर वो फोकस कम करते हैं, इसलिए वो सब्जेक्ट जो होता है उनका वीक हो जाता है, तो आप क्या करेंगे आज से ही एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे मुझे किस सब्जेक्ट को मॉर्निंग टाइम में पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को इवनिंग टाइम पे पढ़ना है, क्योंकि मुझे सब में अच्छे मार्क लाने हैं, जो भी आप साल भर मेहनत करते हैं उसका एग्जाम में ही आपको पता चलेगा कि आपने कितना मेहनत किया है, तो अभी से लग जाइए, कल के भरोसे किसी सब्जेक्ट को मत टालिए, अभी भी आपके पास 44 डेज हैं, और अगर आप चाह लें तो ये 44 डेज में सारे सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको क्या है तैयारी जो करना है उस तैयारी में आपको रिवीजन, ओनली फॉर रिवीजन, केवल आपको रिवीजन करना है, रटना तो है नहीं, क्या वो चीज़ आप कभी नहीं पढ़े हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि तो आप उस चीज़ को पढ़ चुके हो, और उस चीज़ को जब पढ़ चुके हो तो आपको करना क्या है केवल रिवीजन करना है, और जब आप किसी सब्जेक्ट को पर डे उसी चीज़ को बार 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 देख रहे हो तो होता क्या है कि माइंड में वो बैठ गया कि हाँ यार ये चीज़ तो हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से लिख लेंगे। बहुत से बच्चे को होता क्या है कि वो इतने घबरा जाते हैं क्वेश्चन पेपर पाने के बाद कि जो क्वेश्चन उनको आता है वो भी भूल जाते हैं। अक्सर गलतियां किसमें होती हैं कि जो क्वेश्चन उनको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो क्वेश्चन उनको आंसर सबसे ज़्यादा आता होगा वही क्वेश्चन अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं और हड़बड़ाहट में उसी का आंसर भूल जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम के टाइम आपको कम नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका उतना ही होना चाहिए, और ये कब रहेगा जब आप शुरू से ही पढ़ते रहेंगे, आपके स्कूल में जितना भी पढ़ाया गया है, आप जो भी नोट्स बनाए हैं सारे सब्जेक्ट का उस नोट्स को पर डे पढ़िए, उसी नोट्स को पढ़िए, अपने हैंड राइटिंग में उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, ये नहीं कि बस रट लिए हो गया, लिख कर प्रैक्टिस करिए, इससे आपका क्या होता है अपनी हैंड राइटिंग में लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा माइंड में बैठती हैं, तो आप पर डे उस सब्जेक्ट जो भी एक टॉपिक उठाइए कि ये मुझे पढ़ना है उसको लिखिए, लिख कर याद करिए, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। ठीक, तो सारे सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है, रिजल्ट अच्छा आएगा,
और कोशिश करिए कि आज से ही लग जाइए, सभी के सभी लोग 10th और 12th के, चाहे यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, सब लोगों को सारे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क लाना है। ठीक, कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे मार्क को आप लाएं, यही सुखाना है, और आज से लग जाइए, मेहनत करिए, अच्छी तरह मेहनत करिए।